एनेमिक। पूजनीय गुरुदेव जी आपके शिष्याणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए हीरो। गुरुदेव मैं तपन रमन रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। गुरुदेव मेरे छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया, आज पूरा छत्तीसगढ़ आ गया यार। धन्यवाद गुरुदेव। खुश रहो। गुरुदेव मेरे डीएनए में 4 सदस्य हैं और चारों के चारों दीक्षित हैं और मैं तंत्र लेवल 1 में हूँ। गुरुदेव मैंने पिछले वर्ष पूर्णिमा जी गुरुदेव मैंने पिछले वर्ष गुरुदेव मेरा परिवार पिछले 2 वर्षों से घर बैठे नमन की प्रक्रिया कर रहे हैं और गुरुदेव हम घर बैठे ही दरबार की प्रक्रिया करते हुए नमन की प्रक्रिया करते हुए और मंगलवार का संकल्प करते हुए अच्छे से हम पूर्ण रूप से लगभग 90% हम घर बैठे ही स्वस्थ हो गए। गुरुदेव मैंने पिछले वर्ष अक्टूबर माह में 18 अक्टूबर को विवेक रमन जो भैया है हमारे रायगढ़ वाले उनके नेतृत्व में हमने पद यात्रा किया था। गुरुदेव मैंने काशी विश्वनाथ धाम से काशी करौली शंकर महादेव धाम तक पद यात्रा किया था। गुरुदेव आपको पता होगा, याद होगा, हम लोगों का जो एक विशेष उद्देश्य था कि देश के अमर शहीदों के कल्याण के लिए गुरुदेव आपने बहुत ही सराहना की थी और हमें आशीर्वाद भी दिया था और आपने अगले आने वाले अमावस्या में उनके लिए किया था। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव इस पद यात्रा के फलस्वरूप हमें वनडे का पुण्य मिला, इस पुण्य से गुरुदेव और महावन का पुण्य कांश भी मिला। गुरुदेव इस पुण्य से हमारा परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया और सभी के सभी मौज कर रहे हैं। गुरुदेव इस पुण्य से बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। गुरुदेव दरबार से जुड़कर तो मजा ही बेटा, आप लोग आस्था विश्वास श्रद्धा जितना रहती है आपके अंदर वैसे ही दरबार आपके साथ जुटता है ना। देखिए कितने रोग कष्ट थे, उनकी स्मृतियाँ जो बची हुई थी वो भी नष्ट हो गई। आज देखो क्या क्या आप लोग कष्ट होते थे वो सब नष्ट हो गए, उनकी स्मृतियाँ भी आज नष्ट हुई। अपराध कराने वाली स्मृतियाँ थी, किडनी में सूजन और इन्फेक्शन, भगंदर की स्मृतियाँ थी, नशा कराने वाली स्मृतियाँ थी, घुटनों में दर्द, अनावश्यक क्रोध करना, पढ़ाई व कार्य से अरुचि हो जाना, वीर्यनाश कराने वाली स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा में सूजन, कमर में दर्द व जकड़न, एसिडिटी और अपच की स्मृतियाँ थी, लिवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, पैर की हड्डियों में चुभन, दर्द होना, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, श्वास फूलती थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, किडनी में, कोलोन में, रेक्टम में, रक्त में, गले में और अमाशय में। ये सब नष्ट हो गए यहाँ पुरुषों से, कोई शेष नहीं बची है ना। आप तीनों लोग जरा पिता पुत्र अपने भाई और पिता आंखें बंद करो और मेरे शरीर के बराबर किया जाए। स्थिर कर दो, 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः। आँख खोलो, बंधन खींच लो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आप दरबार से नहीं जुड़े होते तो आपको एक ऐसा असाध्य रोग है जो दरबार ने उसकी स्मृति नष्ट की है। उस असाध्य रोग का नाम है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये रोग होता है आपके रीढ़ की हड्डी में, जो आप धीरे धीरे आगे की ओर ऐसे यहाँ पे अकड़न चकड़न होती है खूब और धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाते हैं, टाइट हो जाती है रीढ़ की हड्डी। ऐसा हो रहा था कभी आप? जी गुरुदेव मैं झुक के ही चलता था पहले। झुक के चलते थे, ऐसा आपका चित्र बना रखा है यहाँ। ऐसे रीढ़ की हड्डी आपकी ऐसे टेढ़ी होती जा रही थी, देखिए। जी गुरुदेव ऐसा है। इसको बोलते हैं एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसकी स्मृति नष्ट हो गई। इसलिए अब आपको कोई अकलन चकलन नहीं है कहीं, अब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे आदमी झुकता झुकता कुबड़ा हो जाता है इसमें, यानी सामने वाले आदमी को देख नहीं सकता, उसकी आंखें ऐसे ही रहेंगी, ऐसे ख़त्म हो गया है। हाँ कल एक महावन करेंगे जब दरबार की ओर से कराया जाता है, उसमें आप भी रहेंगे, ठीक है गुरुदेव। कुछ अनुभव भी बताने हैं? हाँ ठीक है यार, अनुभव को बताना आराम से, अनुभव अच्छे अच्छे अनुभव, एक ही लाइन की बात है और क्या है। जो सोचा नहीं था वो अनुभव हो रहे हैं। जी गुरुदेव जो सोचते हो पूरा हो जाता है, यही अनुभव है। जी गुरुदेव इसके अलावा कुछ है? जो सोचते हो पूरा हो जाता है, सोचते ही गुरुदेव, चलते फिरते जो भी संकल्प करें वही पूरे हो जाते हैं गुरुदेव। और दरबार से जुड़कर एकदम आनंद है गुरुदेव। घर हाँ। में गुरुदेव हमारे पास एक ही था, अभी दरबार से जुड़ने के बाद तीन घर हो गए गुरुदेव। बिल्कुल, जब दरबार से आप नहीं जुड़े थे आपके यहाँ बहुत सुस्ती थी, एकदम अंधकार था चारों ओर। जी गुरुदेव, लगता था चारों ओर कोई रास्ता नहीं, अंधकार है। अब रास्ता ही रास्ते हैं। अब आप जो सोचते हो, कल्पना करते हो, कल बाबा माँ से संकल्प करते हो, पूरा होता है ना। खुश आप आए। श्री करौली शंकर महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए। बाबा जी दरबार में जुड़ने के बाद मेरा परिवार बहुत अच्छे आनंद से हैं, एकदम बिल्कुल बहुत ही सुंदर आनंद से हैं, अच्छा व्यतीत कर रहे हैं जीवन। बाबा जी अब एक दो परेशानी है, मेरे कष्ट हैं, मेरी कमर की। आप दरबार आ गए, हम बता रहे हैं क्या है, आप ना बता पाओगे। आप दरबार आ गए हो तो बच गए हो बस, नहीं तो आपका जो लीवर है ना सड़ रहा था अंदर, लीवर में फोड़े मवाद पड़ रहा था अंदर लीवर में। जी बाबा जी। रेफर्ड पेन जाता था पीछे, ठीक है, वो सड़न हो रही थी। पीलिया की स्मृति थी, ज्वाइंटिस की, खून ना बनने देने वाली, खून की कमी वाली, ये आप में सारी स्मृतियाँ थी। जबड़े में दर्द होता था, खिंचाव होता था जबड़े में। जी जी बाबा जी। अब देखो जबड़े में कोई खिंचाव दर्द है बचा? अब नहीं है, खत्म हो गया, ना कोई दर्द बचा ना खिंचाव बचा। और जाप करने का मन बिल्कुल नहीं करता था, बिल्कुल नहीं करते हैं बाबा जी, नहीं करता था। अब आज क्या मन कर रहा है? आप जाप करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या लग रहा है? कर लूँगा, करेंगे जी बाबा। परिवार से बहुत चिड़ होती थी, कभी क्रोध आ जाता था बहुत ज़्यादा, कभी कभी चिड़चिड़ापन होता जी था। ये सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई। अब आप एकदम अच्छे हो, फर्स्ट क्लास, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। और एक समस्या, कल जो महावन होगा उसमें आप रहेंगे। अच्छा, और एक समस्या थी गुरुजी, मेरे दोनों पैर के दोनों अंगूठे के अंगूठों में न गुरुजी मवाद भर जाते हैं, पानी भर जाते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है मेरे को, हमेशा दर्द रहता है। कह रहे ना मवाद और सड़न लीवर में सबसे ज़्यादा, ठीक है, उसके कारण खून ना बनना, इन्फेक्शन होना। जी वही तो, और क्या है। अभी वो स्मृति नष्ट हो गई, कल वहाँ ऑन करिए अपना, ठीक है जी बाबा, कल करें, खुश रहो और बाकी गंदगी निकल जाएगी, अच्छा हो जाएगी, परेशान ना हो। गुरुदेव आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आप ठीक हो हीरो? ठीक हूँ गुरुदेव। कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं। मोबाइल वोबाइल देखने की इच्छा हो रहा है? कुछ थोड़ा थोड़ा हो रहा है गुरुदेव। हैं? थोड़ा थोड़ा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अच्छा, क्या देखने में, गंदा चीज देखने का मन कर रहा है? कुछ नहीं। फिर क्या देखने का मन कर रहा है मोबाइल में? कुछ नहीं, कुछ नहीं देखने का मन कर रहा है। वही तुम कह रहे कि मोबाइल देखने का मन ही नहीं कर रहा। खुश रहो। पढ़ने का मन कर रहा है? पढ़ाई का मन कर रहा है? कुछ करने का? पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुदेव। वो पुरानी बात है, हम अभी की बात पूछ रहे हैं। अब पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं, चेक करो अपने आप। जी गुरुदेव। अब कर रहा है, खुश रहो, फर्स्ट क्लास, मस्त रहो। गुरुदेव के श्री चरणों में आप कोटि कोटि प्रणाम बाबा, मेरा स्वीकार। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा जी, बाबा जी हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम लोग वनडे हवन कर लेंगे माँ बाबा की कृपा से। और उनके जो भक्त हैं विवेक रमन, उनके जो भक्त हैं विवेक रमन, उन्होंने हमारे बहुत अच्छा ब्रेन हैमरेज की स्मृतियाँ थी, चक्कर लाने वाली स्मृतियाँ थी, अर्थराइटिस पेन था, जोड़ जोड़ में दर्द, सिजोफ्रेनिया था, आने आवश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, चीज़ों को भुला देने वाली स्मृतियाँ थी, शरीर में कमजोरी, आलस्य की स्मृतियाँ थी, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, गंदा दिखना, गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत, चिड़ होना, अकेले रहने का मन करना, अलग रहने का मन करना, आपस में बात करने का मन ना करना, ओवरी में सड़न हो रही थी, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, गंदे व कामुक विचार आते थे, गंदे स्पंदन होते थे, कमर में दर्द, रक्त दूषित था, ऑस्टोपेनिया की स्मृतियाँ थी, जॉन्डिस की स्मृतियाँ थी, यूरिन में इन्फेक्शन था, आंतों में घाव बनाने वाली स्मृतियाँ थी। कैंसर की स्मृतियाँ थी रक्त में, ओवरी में, गले में, कोलोन में और अमाशय में। इतने कष्ट थे, अब सारे कष्ट आपके नष्ट हो गए। गर्भाशय में स्वेलिंग बनी रहा करती थी, पेट के नीचे नाभि की तरफ कष्ट होते थे। पैरों में फटन होती थी, है ना, मांसपेशियां फटती थी। जब जाप करती थी उस समय भ्रमित रहती थी, भ्रमित हो जाती थी जी। जाप करते समय नाक से पूरी श्वास नहीं ले पाती थी जी। बहुत तकलीफ होता था। मैं कुछ भी काम आप ले सकती हैं, आप खूब लीजिए। कुछ भी काम करती हूँ तो सांस बढ़ जाता है मेरे बाबा। पीठ में दर्द होता है और मेरे दोनों कान में मतलब छिद्र है, बोलते हैं डॉक्टर लोग ऑपरेशन के लिए बोलते हैं। कान में तो छेद होता ही है, कान में छेद ना होगा सुनो कैसे। आप कोई कष्ट नहीं, ना छेद है ना कुछ, पत्थर है। देखिए उठिए बैठिए, बच्चों की तरह बन चुकी। बैठो उठो, चेक करो जैसे बच्चे होते हैं ऐसे बन गई हो। करिए आगे पीछे सब। कोई कमर में कष्ट नहीं, कोई सब बढ़िया, रीढ़ की हड्डी हो गई, सब बढ़िया, कोई कष्ट नहीं किसी प्रकार का। ठीक है, खुश रहो। कल महावन करिए तीनों लोग मिलके।